वाली फिल्म जो है उसे ढूंढने की कोशिश करती है कि आदमी को शादी के बाद क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए, नाम चाहिए, पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन प्यार कितना इंपॉर्टेंट होता है अपनी जिंदगी में, आपके परिवार के लिए प्यार कितना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन घर चलाने के लिए हमें पैसे चाहिए, नाम चाहिए, समाज में रुतबा चाहिए। Good evening everyone and thank you very much for coming. It means a lot to us. हमारी फिल्म का प्रमोशन है और आप लोग आए हैं और एनकरेज कर रहे हैं हमारे फिल्म के बारे में लिखेंगे, तो बहुत बहुत शुक्रिया। As far as the role is concerned, it's a very interesting role. It is something that I have not done in the past. मैंने actually इस किस्म का किरदार पहले प्ले नहीं किया है, और जैसे कि सचिन दादा ने थोड़ा सा ऑलरेडी एक फिल्म के बारे में बताया कि एक ऐसी कहानी है, रिलेशनशिप बेस्ड कहानी है, जहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जब नया नया रोमांस होता है तब हम बहुत सा एफर्ट करते हैं हमारे पार्टनर के साथ, नए गोल्स अचीव हो जाते हैं, जैसे कि हमको या तो एंगेजमेंट करना है या शादी करना है या बच्चा पैदा करना है। धीरे 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 हमारे जो एक दूसरे के अंदर इंटरेस्ट जो है वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं, हमारा ध्यान बाकी चीज़ों पर चला जाता है, जैसे कि दादा ने कहा कि हमारा ध्यान काम करने पे चला जाता है, घर बनाने पे चला जाता है, पैसे कमाने पे जाता है, नाम शोहरत कमाने पे जाता है, और जो चीज़ें हम जिसकी वजह से हम जिनके लिए हम ये करना चाहते हैं हम कहीं ना कहीं जाके उन्हीं को इग्नोर करते हैं, और उसकी वजह से तनाव आ जाते हैं रिलेशनशिप के अंदर, और अच्छी खासी एक फैमिली, अच्छा खासा एक रिलेशनशिप कहीं ना कहीं जाके टूट जाता है, बिखर जाता है, और वो वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लिए थोड़ी सी सिर्फ इम्पोर्टेंस या मेहनत या थोड़ा सा अटेंशन देना ज़रूरी होता है। तो एक बड़े सेंसिटिव टॉपिक को हमने एक बड़े लाइट हार्टेड वे में दिखाने की कोशिश की है और लोगों को अवेयर करने की कोशिश की है कि जैसे सचिन ने कहा कि एक छोटी सी चीज़ जैसे कि संडे या एक कोई दिन जब आप अपने फैमिली के साथ बिताओ उनको उस बात की खुशी होती है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें अपने फैमिली को इंटैक्ट रखती हैं और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अपनी फैमिली को बिखरने भी देती हैं। तो इट्स अ वेरी नाइस सब्जेक्ट ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप्स डन इन अ वेरी लाइट हार्टेड, एंटरटेनिंग, फनी, कॉमिक, थ्रिलर, सस्पेंस काइंड ऑफ अ वे। और जिस आदमी को मैं एम्प्लॉय करता हूँ वो मुझसे कहता है कि उसका अफेयर उसी के साथ चल रहा है, तो दैट होल सीन इन दैट ड्रंकन स्टेट जिसको मैं ह्यूमर में लेता हूँ, येट मेरे को सरप्राइज होता है उसमें जो एक परफॉर्मेंस है, वो इस छोटी छोटी चीज़ें न्यूएंसेस हैं जो सचिन दादा ने मुझे बहुत गाइड किया। एक्चुअली मैं उस किस्म का एक्टर हूँ कि जहाँ पर मुझे मोल्ड कर एक कैरेक्टर अगर मोल्ड करे मुझे समझाए कि मेरा कैरेक्टर क्या है और इस सेंटेंस में एम्फेसिस किस चीज़ पर है या वो किस चीज़ पर एम्फेसिस चाहते हैं, मुझे ऐसा कोई डायरेक्टर मिलता है जिसकी क्लैरिटी अच्छी होती है, तो आई एंजॉय दैट बिकॉज देन आई सरेंडर माई सेल्फ टू दोस डायरेक्टर्स एंड आई ट्राई टू गिव देम एग्जैक्टली व्हाटएवर आई हैव टू गेट दोस रोल्स एंड आई काइंड ऑफ ट्रस्ट देम, आई हैव आल्सो सीन कि मेरा खुद का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, तो आई एम वेरी हैप्पी विद माई कैरेक्टर इन दिस फिल्म, आई एम वेरी हैप्पी विद माई परफॉर्मेंस इन द फिल्म एंड आई एम ओवरऑल हैप्पी विद द फिल्म आल्सो बिकॉज इट्स टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी स्वीट नाइस लवली फिल्म। और बहुत ही टैलेंटेड है एंड इन्होंने म्यूजिक जो फिल्म में दिया है वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, पर्टिकुलरली जो हमारा ये गाना है सो स्लो जो हमने सबसे पहले इसको रिलीज़ किया था ये लोगों को अच्छा लग रहा है, काफ़ी बज रहा है एंड लुक एंड फील भी बहुत अच्छा है। तो आई गेस वी हैव यू नो अप एंड कमिंग म्यूजिक डायरेक्टर ऑन हिज वे एंड वी विल सी वी विल हियर मोर ऑफ हिज म्यूजिक एंड सी वन ऑन अ लॉट मोर। उससे तो नए डायरेक्टर के साथ काम किया, कई बार ऐसा होता है कि किसी का इंटेंशन ऑब्वियसली मोस्ट पीपल का इंटेंशन होता है कि फिल्म बनाए, लेकिन बहुत से लोग कहीं ना कहीं उनका पैशन कहीं जगह अच्छी है तो उस टाइम पे इस टाइम इसी वजह से आने थे, और मेरी मदर की सिस्टर भी जो है वो काफ़ी सालों से ही बेस्ड है, तो उनसे मिलते हैं, उनके बच्चों से मिलते हैं, मेरे कजन से हम काफ़ी आते रहते हैं, तो यस तो मेरा है एक अटैचमेंट पुणे से, क्योंकि मेरे रिश्तेदार पुणे में रहते हैं एंड I love Pune and I love coming here. I love the culture here and like I said, it is a very big educational hub where there's a lot of like students and out here, so that's great. So it's a very youthful vibe that this place has
and in his own way very modern, and you know, an amazing place to live in. You know, the houses are good, the roads are good, the weather is good, so it's great. And we all know how well now most regional films are doing, and particularly Marathi films, they have got a great audience and they do very big business right now. Even their budgets of the films have gone up, their artists are very good, their technicians are very good, their writers are very good. You know, Sairat, the film team, wo itni achhi film thi isse pehle, Mahesh Manjrekar sahab ne bhi jo film banayi hai, baki ke kuch director ke naam mujhe pata nahi, but I know there's some very, very good films being made. मेरे खुद के कैमरामैन हैं महेश लिमे, उन्होंने अच्छी फिल्में बनाई, येलो फिल्म बनाई है, और भी फिल्में बनाई हैं, ऐसी फिल्मों में उन्होंने कैमरा वर्क किया जो बहुत हिटी हुई है. तो आई हैव बीन फॉलोइंग मराठी सिनेमा, यू नो, एंड आई नो दैट इट इज डूइंग सम ग्रेट वर्क, एंड इफ आई एवर गेट द अपॉर्चुनिटी टू डू फिल्म इन मराठी आई वुड. आई नो लैंग्वेज भी मतलब बहुत फ्लुएंटली नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन अगर मेरे को it's more easy for me to say lines in Marathi than to say lines in say Telugu or Tamil, jo mujhe mushkil hota hai yaad karna hota hai, kyunki main Maharashtra mein almost I've been living all my life here, and my mother is Maharashtrian, so I understand Marathi, don't speak fluently, but I can. They happen in real life amongst many, many couples, married couples. So it's just taken from there. It is not based on any true one incident or one story. It's a generic human trait or a human relation. इसका नाम trend है. बहुत ही जल्दी हम भी बस देखते हैं. कितने पूरे बात को कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है. ऐसे ही जैसे सर ने बोला मुंबई में भाई भाई, तो same feeling है. I love the vibe and energy of the city. सर गाड़ी की कुछ बोल. दिए बस तेरी माने, मैं कुछ कह दूं माने, प्यार में तेरे इतना दीवाना, बस चाहता है तुझको ही पा, कैसे समझाऊं इस पागल दिल को, ये करता समझना, एक दूसरे को से डिस्कस करना, कम्युनिकेट करना कितना इम्पोर्टेंट है.